अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ग्रेडिंग सिस्टम और जो डिवीजन का सिस्टम है कि फर्स्ट डिवीजन कैसे बनती है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन वगैरह, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया था। और इसके अलावा मैंने आपको पासिंग मार्क्स बताए थे सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि हर सब्जेक्ट के नंबर डिफरेंट होते हैं। कोई 65 नंबर का सब्जेक्ट होता है, कोई 85 का होता है, कोई 100 का होता है, कोई 75 का होता है, कोई 50 नंबर्स का होता है। तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि भाई हमारा अगर 50 नंबर का पेपर है तो उसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं, 85 का है तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 65 का है तो पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो वो सारी की सारी डिटेल्स मैंने एक वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की थी। अब उस वीडियो को लेकर जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं उनमें एक कन्फ्यूजन जनरेट हो गई है कि इस साल यानी जो 2022 का फर्स्ट एनुअल या सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन होगा, क्या इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होगी या उनको परसेंटेज सिस्टम होगा। तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि इस दफा जो आपके आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपके नंबर्स आपको बताए जाएंगे। यानी अगर आपका 1100 नंबर का पेपर है या 1050 नंबर का आपका पेपर है तो उसमें से जितने आपके नंबर्स बनेंगे वो नंबर्स किसी के, जैसे किसी के 850 नंबर बनते हैं, 870 नंबर बनते हैं, 950 नंबर बनते हैं, तो आपके नंबर्स ही आपको बताए जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली जब भी आप आगे अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपकी परसेंटेज ही काउंट होगी और आपका ग्रेड वहां पे चेक किया जाएगा या आपकी डिवीजन जो है वो चेक की जाएगी। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अप्लाई करने का वो यही होता है कि आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, आपका ए ग्रेड होना चाहिए, आपके इतने परसेंट नंबर्स होने चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आपको अपनी अपना पूरा का पूरा जो रिजल्ट है उसकी जो स्टैंडिंग है वो आपको समझ आ सके। लेकिन जो इस दफा का आपका रिजल्ट होगा, आपकी जो मार्किंग होगी वो भी एब्सोल्यूट मार्किंग होगी, ठीक है, और आपका जो रिजल्ट बनेगा वो भी नंबर्स की फॉर्म में आपको बताया जाएगा। लेकिन जो 2023 के इम्तिहानात होंगे उसमें नंबर्स वाला चक्कर जो है ये खत्म हो जाएगा। वहां पे जब उस टाइम पे जब आप पेपर देंगे तो फिर आपको आपके नंबर्स नहीं बताए जाएंगे बल्कि आपको आपको आपका ग्रेड बताया जाएगा। अब ग्रेड को जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपके कितने एज हैं, कितने बीज हैं, कितने सीज हैं। ए ग्रेड के 5 नंबर हैं, बी ग्रेड के 4 नंबर हैं, सी ग्रेड के 3 नंबर हैं, उसके बाद जो डी ग्रेड है उसके 2 नंबर हैं, ई ग्रेड का 1 नंबर है। तो वो आप नंबर्स जो है वो सारी की सारी अभी आप मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। जो जीपीए की पॉलिसी है वो अगले साल, क्योंकि आप लोगों के लिए जो इस साल बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं आप लोगों के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको वो समझने की भी जरूरत नहीं है। वो अगले साल जो बच्चे पेपर देंगे तो फिर उनका जो सीजीपीए का जो भी क्राइटेरिया होगा वो उनके साथ जो है वो उनको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो इस साल जो 2022 के इम्तिहान हो रहे हैं, बेशक मैट्रिक के इम्तिहान आते हैं, बेशक इंटर के इम्तिहान आते हैं, इसमें आपको जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से, जिस तरह पहले आपका रिजल्ट आता था उसी तरीके से ही आपका जो है वो रिजल्ट आएगा। इसलिए कन्फ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं सब्जेक्ट वाइज, और आपके जो आपकी जो आपका जो ग्रेड बनता है वो किस तरीके से बनता है, और आपकी जो डिवीजन है वो किस तरीके से बनती है। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं डेली बेसिस पे आपको बता रहा होता हूं, आपको अपडेट कर रहा होता हूं। तो चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप अपडेट रहेंगे इन्फॉर्मेशन के साथ भी, और आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने का मौका भी मिलेगा। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, खुदा हाफिज़।